आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके चलते श्रीलंका से श्री राम वन गमन के रास्ते होते हुए अयोध्या जाने पर सुरेश चौहानगे का दुर्ग शहर में भव्य स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के टीम के द्वारा दुर्ग शहर के पटेल चौक पर श्रीलंका से श्री राम वन गमन के रास्ते होते हुए अयोध्या जाने वाले यात्री, जिसमें श्री राम के चरण पादुका को धर्म प्रेमियों के दर्शन के साथ ही अयोध्या ले जाने, आज नगर आगमन पर सुरेश चौहानके का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्ग पहुंची यात्रा का फटाकों और फूलों से स्वागत किया गया। इसके बाद दुर्ग के पटेल चौक स्थित शिव मंदिर के बाहर सभी के बीच आरती कर भजन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी प्रसन्नता देखी गई। इस संबंध में यात्रा कर अयोध्या जा रहे सुरेश चौहानके और राकेश लोचन तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। श्री राम जी के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने राम राज्य युवा यात्रा ये 15 दिसंबर से हमने 22 जनवरी तक निकाली है। यात्रा 15 दिसंबर से श्रीलंका से लेकर 22 जनवरी अयोध्या तक जाने वाली है। यात्रा 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली है हिंदुस्तान के, जिसमें से ये चौथा राज्य है। कल हम महाराष्ट्र में थे और कल रात को ही हमारा छत्तीसगढ़ में स्वागत किया गया, और उसके लिए मैं राजनांदगांव के वासियों को पहले धन्यवाद कर चुका हूँ। अब हम दुर्ग जिले में आ चुके हैं, यहाँ पर भी हमारे बजरंगबली की सेना, इन्होंने भी बहुत अच्छा स्वागत किया। अब यात्रा का उद्देश्य क्या है भाई, राम राज्य युवा यात्रा? तो भाई युवा का अर्थ ये है कि राम राज्य अगर बनाना है तो युवा को आगे आना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो बलिदान देना पड़ेगा। तो इसलिए इस यात्रा में युवा नाम जोड़ा गया है। यात्रा के उद्देश्य अगर मैं बताऊँ आपको तो वो ये है कि श्री राम जैसा चरित्र हम युवा में निर्माण कर सके, समाज के अंदर के रावण को ख़त्म कर सके, परिवार प्रबोधन कर सके और राष्ट्र धर्म का कार्य जो युवा करना चाहता है उसको और प्रोत्साहित कर सके। और छत्तीसगढ़ वासियों को तो मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों का तो वैसे भी श्री राम जी से बहुत अच्छा कनेक्शन है, उनका ननिहाल है छत्तीसगढ़, और साथ ही में उनके जन्म का जो कारण है वो जो यज्ञ यहाँ हुआ था श्रृंग ऋषि द्वारा, वो भी यही हुआ था। तो इसलिए आप सब भी सौभाग्यशाली है और हम भी सौभाग्यशाली है कि हमें ये पादुका लेकर श्री राम जी ने आदेश दिया कि आप ये पादुका लेकर श्रीलंका से अयोध्या तक जाइए। जय श्री राम। हमारा जीवन धन्य है, 500 वर्षों तक जी श्री राम जी की मंदिर के लिए हमने लाखों बलिदान दिया, उस बलिदान की परिपूर्ति आज यह हिंदू राष्ट्र पर घोषित होने जा रही है। भगवान श्री राम जी का एक विशाल मंदिर बनने जा रहा है, उसमें श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमारा जीवन धन्य होने जा रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि इस कार्य पर अपनी सहभागिता बनाएं और ऐसा भव्य दीपावली मनाएं कि राम राज्य की स्थापना 22 जनवरी को ही हो जाए। जय श्री राम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।